काव्या का एक और एपिसोड जो है आज खत्म हो गया। आज का एपिसोड स्टोरी वाइज इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आज क्या हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे जो डायरेक्टर भाई साहब हैं वो तो काव्या के बारे में बात करने के लिए गए, और काव्या के मम्मी पापा भी अब आ चुके हैं। और काव्या के मम्मी पापा भी आए हैं, यहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो अधिराज है उसकी मम्मी भी आ चुकी है। उसके अलावा ये मतलब काफी सारे जो ऐसे इंसिडेंट्स हुए आज के एपिसोड में, वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे थे कि यार जो स्टोरी है वो एक बड़ा ट्विस्ट या बड़ा एक टर्न लेने वाली है, जो पर्सनली मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि काव्या की मम्मी पापा भी यहाँ पे हैं, आदिराज की मम्मी भी हैं। आदिराज के साथ जो लड़के ने मतलब वीडियो गलती से लीक कर दी थी वो भी है। तो ये जिससे कि चीजें पूरी चल रही, जिससे कि सीक्वेंस चल रहे हैं, तो भाई साहब सब अमेजिंग है, सब अमेजिंग है। क्योंकि तो अगर इसकी स्टोरी जिस तरीके से मेरे को लग रहा है, अगर वैसे लेके चल रहे हैं और वैसे अगर जाती है, कहानी एक नंबर की जा सकती है। यहीं से आदिराज और काव्या की लव स्टोरी की शुरुआत हो सकती है इन द माइंड ऑफ फैमिली। फिर चाहे वो काव्या के पापा की तरफ से शुरू हो या फिर आदिराज की मम्मी की तरफ से शुरू हो, किसी एक की साइड से ये चीज शुरू हो जाएगी, ये डैम श्योर है। दूसरी चीज, आदिराज के लिए काव्या की दोस्ती कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज पता चला, क्योंकि आदिराज ज्यादा जल्दी किसी को दोस्त नहीं बनाता। अब अगर वो ज्यादा जल्दी दोस्त नहीं बनाता तो जितने भी लोगों के साथ वो मस्ती मजाक करा था या फिर वो लोगों की मैगी पार्टी हो रही थी, वो लोग कौन है? दोस्त नहीं है, सिर्फ जान पहचान है, बातचीत है। मतलब पर्सनली मैं सोच रहा हूँ, आप आदिराज से मैंने भी बोला कि वो जल्दी नहीं बनाता दोस्त, जल्दी दोस्ती नहीं करता, तो भाई वो लोग कौन है? चलो काव्या को उसने खुद बोल दिया कि दोस्त है, जो हमारे बिहार से लड़का है उसको आज के मैंने बोला कि भाई साथ देना, दोस्त है वो तुम्हारा, बहुत कम दोस्त बनाता है, मुश्किल से दोस्त बनाता है, बाकी कौन है भाई, कौन है भाई, बाकी जान पहचान वाले हैं या रिश्तेदार ही कौन है? अब एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन मार्क मेरे लिए खड़ा हुआ वो ये कि काव्या के मम्मी पापा आए, और आए तो आए, ये हमें कहीं एपिसोड मतलब कुछ इतना मतलब स्पेसिफिकली नहीं दिखाया गया कि वो अब निकल चुके हैं अपने मतलब घर से काव्या के यहाँ पे आने के लिए, स्पेसिफिकली इतना कुछ नहीं दिखाया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे मतलब थोड़ा सा था कि यार ये कैसे हो गया। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ जो मुझे मतलब आज के एपिसोड में थोड़ी सी लगी, क्या यार चूक हुई है, मिस्टेक नहीं चूक हुई है, जैसे हुई है, हमने एक शॉट देखा था जहाँ पे काव्या ने कुछ लिख रही होती दीवार पर, उस वक्त काव्या जहाँ पर होती है वहां पे बारिश नहीं होती, बट जहां पर हमारा आदिराज खड़ा होता है वहां से इतनी तेज बरसात देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारे जो बाकी कैडेट्स खड़े होते हैं, यहाँ पे हमारा बिहार से आया लड़का खड़ा होता है, वो लोग खड़े होते हैं वहां पे, बरसात इतनी तेज होती है कि पानी बह रहा होता है भाई दीवारों से। ये थोड़ा सा एक सीन मिक्सिंग में थोड़ी सी मतलब मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी चूक हो गई है, इस चूक को ठीक किया जा सकता था, बट कोई नहीं, नहीं है इतना कुछ बड़ा मतलब हो नहीं सकता, लेकिन हाँ जो एक छोटी सी मिस्टेक है वो है। बट अगर अब मैं इन सब चीजों को हटा के मेन बात करूं, एक्टिंग, स्टोरी, डायलॉग, एक्सप्रेशंस, आज के एपिसोड में काव्या का इतना मेजर रोल नहीं था। आज के एपिसोड में काव्या के मम्मी पापा का बहुत ज्यादा मेजर रोल था। उसके बाद जो दूसरा मेजर रोल था आदिराज, आदिराज की मम्मी का, और तीसरा बड़ा जो रोल है वो तीसरा बड़ा रोल हमारा आज हमने देखा कि वो था हमारे डायरेक्टर साहब का, लेकिन वो उतना बड़ा और मेजर रोल हो नहीं पाया, वो कल के एपिसोड तक ज्यादा आएगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है कल के एपिसोड में। क्योंकि आज जिस तरीके से एंडिंग में बोला कि भाई काव्या की जो थोड़ी सी मतलब जो है मतलब मेंटली की कंडीशन इनस्टेबल है, ठीक नहीं है, अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता आगे। बट जिस तरीके से कहानी जा रही है, जिस तरीके से स्टोरी जा रही है, बहुत
बहुत गजब जा रही है यार, मतलब अनएक्सपेक्टेड स्टोरी है मेरे लिए कि भाई काजा के पेरेंट्स आ जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इस बारे में कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं थी, ना किसी को बताया था कि भाई वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं काजा के लिए। दूसरा मतलब काफी शॉकिंग चीज ये थी कि आदिराज की मम्मी भी यहाँ पर आ जाएंगी, मुझे लगा नहीं था कि आदिराज की मम्मी यहाँ पे आएंगी। और तीसरी सबसे बड़ी शॉकिंग चीज ये हो गई, काव्या यहाँ पे से उस कॉन्फ्रेंस में जाने की बात कर रही थी। और यहाँ पे मुझे समझ में, जो मैम है उनका क्या दिमाग नहीं चला कि आखिर वो काव्या को इस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए क्यों मना कर रही है? उनको तो मतलब यहाँ पर कि आ रहे तो काव्या को अगर आए वो भी अपनी बात रखे, पर मैं प्रूफ कर दूंगा, फिर हम लोग प्रूफ कर देंगे भाई वो मेंटली अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। डॉक्टर से बोला कि वो मेंटली सूटेबल नहीं है, वो परफेक्ट कैंडिडेट है वहां पर जाने के लिए, बट यहाँ पे मेंटली अनस्टेबल बता दिया। तो यार चीजें थोड़ी सी अजीब है, बाकी अब देखते हैं क्या होता है आने वाले एपिसोड में, किस तरीके से होता है। बट यार एक्टिंग, कैरेक्टर, परफॉर्मेंस, सब कुछ इतनी ज्यादा बेहतरीन और परफेक्ट है कि भाई क्या है, मतलब मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। बट लेट्स सी आने वाले एपिसोड में कैसे कहानी जाती है, कहाँ से जाती है, किस तरीके से घुमा फिरा के इधर उधर कर कुरा के जाती है, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड हूँ आने वाली स्टोरी के लिए, और ये भी चीज़ देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि कैसे हमारा जो आदिराज है वो काव्या से फिर से दोस्ती करता है, कैसे ये लोग फिर से एक साथ मतलब फ्रेंडशिप जो है वो आगे बढ़ाते हैं, जो वो गांव है उसमें वो लोग कैसे जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं, एंड क्या चीज़ है, कैसी है, वो सब चीज़ देखने के लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप भाई मेरी बातों से एग्री करते हैं या फिर नहीं करते हैं, और जो स्टोरी चल रही है क्या उसको देख के आप थोड़ा बहुत भी एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड के लिए या नहीं। और इसी तरीके से भाई जो हमारा रिव्यू है काव्या का, उससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी